हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ लोरियल पेरिस के रिवाइटलिफ्ट हाइलारोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, ये क्रीम छोटू से ग्लास जार पैकेजिंग में आती है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही क्यूट लगी है। फ्रेंड्स, इसके टोटल टू साइज अवेलेबल हैं, जिसमें से मैंने इसका स्मॉल साइज लिया है। ये सैम्पल साइज प्रोडक्ट है, जिसमें आपको 15 ml क्वांटिटी मिलती है और इसका प्राइस है ₹499। और इसका जो बड़ा साइज है वो है 50 ml का। सो मैंने 15 ml प्रोडक्ट लिया है। चलिए अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, कि मैंने इसको कितना यूज़ किया हुआ है। मैं इसे 20 डेज से यूज़ कर रही हूँ और डे एंड नाइट मैं इसे दोनों ही टाइम यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो फेस क्रीम है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जेल टाइप है। इसका जो टेक्सचर है वो जेल काइंड ऑफ टेक्सचर है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। और फ्रेंड्स, इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ होती है और ये स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है। और ये आपकी स्किन को रेडिएंट बनाती है ये फेस क्रीम, और लंबे टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे हैंड पे अप्लाई किया था, स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ लग रही है। आपको इसे कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है, वॉश करना है। उसके बाद आप अपने स्किन केयर रूटीन में जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके लास्ट स्टेप में आपको इसको यूज़ करना है। और अगर आप सीधा फेस क्रीम यूज़ करते हैं तो फेस वॉश करने के बाद आपको ये फेस क्रीम यूज़ करनी है। आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और फिर अपने फेस पर डॉट डॉट बना लेने हैं। और उसके बाद अपने फिंगर्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। फ्रेंड्स, ये फेस क्रीम अप्लाई करने के तुरंत बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगती है, स्किन मॉइस्चराइज लगती है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सापल बना देती है, स्किन को रेडिएंट बना देती है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आपकी स्किन को लंबे टाइम तक ये हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज रखती है। इस फेस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है। ये फेस क्रीम स्किन में डीपली 10 लेयर तक पेनिट्रेट होकर स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, स्किन में मॉइस्चर को लॉक करती है और हमारी स्किन को प्लम्प करते हैं। प्लम्प, जैसा कि ये प्लम्पिंग डे क्रीम है। और फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मुझे इसको 20 डेज हो गए हैं और मेरे फेस पर भी यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए हैं, आइज के पास भी। सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे मेरी स्किन में डिफरेंस देखने को मिला है कि हाँ, इससे आपके फेस पर जो फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है, वो भी रिड्यूस होते हैं। फ्रेंड्स, इस फेस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ होती है। सेकंड, फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है। थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप यूज़ करते हैं तब भी ये आपके स्किन को पूरे दिन तक मॉइस्चराइज रखती है, स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती है। और सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बोथ मैन एंड वेमेन इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फेस क्रीम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना यूज़ कर लिया है और डेफिनेटली अब मैं इसका बड़ा साइज परचेज करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये फेस क्रीम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और स्पेशली इन विंटर सीजन में अगर आप कोई अच्छा फेस क्रीम ढूंढ रहे हैं तो इसे ज़रूर ट्राई दें। बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इसको परचेज करने के बाद। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ माइग्लैम की फेस क्रीम का रिव्यू शेयर किया था, वो फेस क्रीम भी बहुत ही अच्छी है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस फेस क्रीम को ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फेस क्रीम है। विंटर सीजन में तो ये आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई अच्छी फेस क्रीम परचेज नहीं की है और ढूंढ रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप इसे ले सकते हैं। सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। फर्स्ट टाइम यूज से ही आपको आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी। अभी भी मैंने ये फेस क्रीम यूज़ कर रखी है, सो आप देख सकते हैं स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ लग रही है। लंबे टाइम तक आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती है और आपकी स्किन पर ये ग्लो लेकर आती है, रेडियंट लगती है आपकी स्किन। ऐसा नहीं है कि स्किन बहुत ज़्यादा बहुत डल हो जाती है,
काफी बार ऐसा होता है कि हम फेस क्रीम यूज करते हैं और अगर फेस क्रीम थोड़ी सी भी ऑयली होती है या जो फेस क्रीम हमारी स्किन को लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखती है तो स्किन डल हो जाती है उससे। बट इस फेस क्रीम के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्लाई करते ही आपकी स्किन इंस्टेंटली मॉइस्चराइज होती है, स्किन सॉफ्ट स्मूथ सापल लगती है और उसके साथ ही साथ आपकी स्किन रेडियंट लगती है, ग्लो आ जाता है स्किन पर अच्छा खासा। तो ये फेस क्रीम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और विंटर सीजन में मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे एक ट्राई जरूर दें। बहुत ही अच्छी फेस क्रीम है और रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं। इस फेस क्रीम में मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है, टेक्सचर से लेकर टेक्सचर, इसकी फ्रेग्रेंस, इसका कंसिस्टेंसी, और इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज होती है, स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत ही लाइट वेट है, लंबे टाइम तक स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, हाइड्रेट रखती है, स्किन पर ग्लो लेकर आती है, स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है। सो ये शॉर्टकट में मैंने इसके सारे बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। सो ये फेस क्रीम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देती है। सो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस विंटर सीजन में आपकी स्किन हेल्दी रहे, रेडिएंट रहे, स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ सापल रहे और बिल्कुल भी ड्राई फील ना करे आपकी स्किन, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई दें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।